साथियों, आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश ने देखा उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने सबसे पहले शत प्रतिशत पहली डोज का रिकॉर्ड बनाया और टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात कर रहे रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैलाते, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की, चाहे बर्फबारी हो, सामने नदी नाले हो, प्राकृतिक आपदा के घटनाएं हो, सब संकटों को पार करके, सब कठिनाइयों को पार करके हमारे परिश्रमी हेल्थ वर्कर्स गांव गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचे, इसी लक्ष्य के साथ हमने काम किया। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार को और उनके सभी कर्मचारियों को आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हो, उनका धन्यवाद करने आया हो, उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। यह छोटा काम नहीं है दोस्तों। पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन को लगाते लगाते 40-40 साल लग जाते थे।